नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, पार्टियों के हक में समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। सत्ता में आने के बाद नेता चाहे किसी की ना सुने, मगर सत्ता पाने के लिए जब मंत्री वोटरों के पास पहुंचते हैं तो नेताओं को लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं और लोगों की सुननी भी पड़ती है, क्योंकि एक वही समय होता है लोगों को गिले शिकवे दूर करने का। ऐसा ही हुआ कुंभावास के गांव में, जब कैप्टन अजय यादव को बुलाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव इस गांव में पहुंचे, वे एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जब मंत्री महोदय ने अपने समय में लगाई हुई नौकरियों के बारे में गिनाना शुरू किया कि जब हमारा राज था तो हम लोगों ने कई नौकरियां लगवाई और आप ही के गाँव में कई नौकरियाँ दी गई। तभी एक्स सरपंच राजपाल सनोप सूरज भान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नौकरियाँ आपने ज़रूर दी हैं, लेकिन पैसे लेकर। बस फिर क्या था, माहौल पूरी तरह गर्मा गया। कैप्टन अजय यादव ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और लोगों को कह भी दिया कि आपके गांव में मुझे बुलाकर बेशर्मी से इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और मेरी बेइज्जती की जा रही है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति हाथ उठा करके कह दे कि मैंने पैसे लिए हैं, यानी अजय यादव ने पैसे लिए हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब राज होता है और सत्ता होती है तो हर कोई आपकी बातों को इग्नोर करता है, यानी चाहे आप पैसे खाते हों या जो मर्जी करें, लोग उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई, जब वोट मांगने जाते हैं तो ये गिले शिकवे ज़रूर दूर करते हैं लोग, और ऐसे में वोटरों की सुननी भी चाहिए। खैर, मंत्री साहब यहाँ से सुस्त होकर ही लौटे। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। आपके गांव का एक भी बच्चा उससे पैसे लिए हो तो वही राजनीति छोड़ दूंगा। आपके गांव में वोट मांगने नहीं हम, अगर मेरे किसी आदमी ने लिया हो तो ये काम के बस मंत्री में तू मांग, मैं मंत्री पढ़ता हूँ, जब मंत्री पढ़ा लिखा क्या करता तू आपने लिया चाहिए। आप बात करो, विकास की बात करो, एक बार क्या पैसे खाता है आपके गांव में? कितने बच्चे लगे हैं भाई? 15-20 बच्चे लगे हैं। अगर एक बच्चा यूं कह दे कि कैप्टन अजय सिंह ने पैसे लिए हैं तो मैं राजनीति में आपके गांव में वोट मांगने नहीं हूँ, और तो छोड़ो। क्या बात कर रहा है? तेरा भाई लगा फ्री में, मेरा भाई लगा जी फ्री में, कोई पैसे नहीं लगा। देखो, किसे पैसे लिए आपके आगे लिए पैसे भाई? फिर ये कैसे कह रहा आपके आपके गांव में एक आदमी मेरी बेइज्जती करवा रहे हो गांव में बुला के? मैं आपके घर में आऊँ, आप मेरे घर आओ, मैं आपकी बेइज्जती करूँ? मैं आपके घर में आया हूँ, मैं और मैं रहा हूँ 6 दफा, और मेरी बेइज्जती करवा रहे एक आदमी, और यूँ कह रहा आप पैसे खाते हो? आपको खड़े होकर घर जो जिनके बच्चे लगे हैं दिमाग क्या है? ये कोई दिमाग वाली बात है आदमी की जो नीचे उतार दे किसी की? मैं एक बार आपको मैं दावा करता हूँ इंद्रजीत आ जाए आपके गांव में, और अगर आप उससे बात कर लो और एक बच्चा आपके गांव का लगाया हो तो मुझे बता दीजिए कौन बच्चा लगाया गाँव बताओ मेरे को। मैंने 15 बच्चे लगा दिए, उसने एक बच्चा नहीं लगाया आपके गाँव का, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता। उसको वोट मिल जाए 600 और कप्तान में मिले 40 वोट। आपके लड़कों से ना वो बढ़िया है भाई, मेरा लड़का वो मेरे लड़कों मैं तुम्हारा लड़ा दूंगा, मैं टाड़ कर दूंगा। आप टाड़ कर दियो? मैं तो टाड़ कर रखी है, मैं टाड़ कर रखी भाई। अगर मैंने कोई अगर एक भी बच्चा आपके गांव का एक भी बच्चा उससे पैसे लिए हो तो वही राजनीति छोड़ दूंगा। आपके गांव में वोट मांगने नहीं हम, अगर मेरे किसी आदमी ने लिया हो तो ये काम के बस मंत्री में तू मांग, मैं मंत्री पढ़ता हूँ,
जब मतलब बन गया था क्या बात करता तू आपने कैसे लगाया आपने लिया होगा क्या लिया होगा आप क्या लिया होगा आप क्या भाई क्या सामने अंदर का आप बात करो विकास की बात करो इस क्या पैसे खाता है आपके गांव में कितने बच्चे लगे हैं भाई 15-20 बच्चे लगे हैं अगर एक बच्चा यूं कह दे कि कैप्टन अजय सिंह ने पैसे लिए हैं तो मैं राजनीति में आपके गांव में वोट मांगने नहीं हूँ और तो छोड़ो क्या बात कर रहा है तेरा भाई देगा फ्री में किसे पैसे लिए भाई आपके आगे लिए पैसे भाई फिर ये कैसे कर रहा आपने आपके गांव में एक आदमी मेरी बेइज्जती करवा रहे हो गांव में बुला के मैं आपके घर में आऊं आप मेरे घर आओ मैं आपकी बेइज्जती करूं मैं आपके घर में आया हूं मैं और मैं रहा हूं 6 दफा और मेरी बेइज्जती करवा रहे एक आदमी और यूं कर रहा आप पैसे खाते हो आपको खड़ा होकर जो जिनके बच्चे लगे हैं कोई बात है या दिमाग क्या है ये कोई दिमाग वाली बात है एक आदमी की जो इसे उतार दे किसी की मैं एक बार आपको मैं दावा करता हूँ इंद्रजीत आ जाए आपके गांव में और अगर आप उससे बात कर लो और एक बच्चा आपके गांव का लगाया हो तो मुझे बता दीजिए कौन बच्चा लगाया गांव बताओ मेरे को मैंने 15 बच्चे लगा दिए उसने एक बच्चा नहीं लगाया आपके गांव का उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता उसको वोट मिल जाए 600 और कप्पा में मिले 40 वोट आपके लड़कों से ना वो बढ़िया है भाई मेरा लड़का वो मैं लड़कों मैं तुम्हारा लड़ा दूंगा मैंने मैं टाड़ कर दूंगा आप टाड़ कर दियो मैं तो टाड़ कर रखी है मैं टाड़ कर रखी है भाई।